क्या शिकायतें लगाई जा रही थी फाला अम्मी से मेरी? नहीं तो शिकायत तो कोई नहीं लगाई, और कहते हैं कि शिकायतें तो उनकी लगाई जाती हैं जो आपको शिकायत का मौका दें, और आपने तो मुझे आज तक कोई शिकायत का मौका ही नहीं थी। लगता है आजकल मक्खन बड़ा सस्ता हो गया है। मक्खन का तो नहीं पता, हाँ जूस है मेरे पास, पियेंगे? जूस की मुझे नहीं, तुम्हें जरूरत। और ये कैसे बैठी हुई हो? ऊपर होके बैठो। ठीक तो? नहीं 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 नहीं, आराम से जनो, तकिया सीधी करो और थोड़ा सा ऊपर से। सुनो, अगर तुम्हारी तबीयत थोड़ी सी भी खराब है ना, तो मुझे बताओ, मैं अभी नीचे जाके ना ये पूरा फंक्शन कैंसिल करा देता हूँ। क्यों, क्या हो गया आपको? आपको पता है सबने कितनी मेहनत की है? अलीबा, अम्मी, मारिया, खाला, सब लगे हुए हैं सुबह से, इतनी मेहनत से फंक्शन अरेंज किए, और आप कह रहे हैं कि कैंसिल कर दें। सोनिया, मेरे लिए तुमसे कीमती कुछ नहीं है, तुम्हारी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम ना आराम करो, रेस्ट करो। मैं अभी सबको जाकर कहता हूँ कि तुम्हें कोई आकर डिस्टर्ब ना करे, थोड़ी देर सो के उठोगी ना एकदम से फ्रेश हो जाओगी, देखना। कैसे आपने ना मुझे हथेली का छाला बना के रखा हुआ है। हाँ तो तुम कीमती है मेरे लिए। अब जो तुम मुझे इतनी बड़ी खुशी देने जा रही हो, तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज भी हो गई हो, जानती हूँ। आजकल मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी औलाद से भी उतनी मोहब्बत कर पाऊंगा जितनी मैं तुमसे करता हूँ। क्यों, क्यों नहीं करेंगे आप? वो तो हमारी मोहब्बत की निशानी होगा ना, क्या शायद होगी? कभी कभी मैं सोचती हूँ कि आपकी मोहब्बत मेरे लिए कम ना हो जाए उसके आने के बाद। ऐसा तो नहीं होगा? तो एडजस्ट कर लेना। ऐसे दर्द छुपा